आज के टाइम पीरियड में सफारी होम की मार्केट बेशक ऑलरेडी बायर होल्डर जो इस डील को होल्ड करता है वो कंस्ट्रक्शन के डिले होने की वजह से सम हाउ नाराज ज़रूर है, लेकिन फिर भी इस डील से मुकम्मल सेटिस्फाई है, 100% मुतमईन है क्या सफारी होम्स की कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो डेफिनेटली क्या अप टू मार्क आपको देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सैयद अली कुमैल फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 5 मरला इंडिपेंडेंट डबल स्टोरी हाउसेस की सफारी होम्स के नाम से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक के अंदर आपको एक डील मुतारिफ करवाई गई थी, जिसमें तकरीबन कुछ 350 के घर के करीब आपको घरों की बुकिंग्स थी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उस वक्त तकरीबन कोई 60 लाख रुपये के करीब आपको वो घरों की डील जो है मुतारिफ करवाई गई थी। फर्दर इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया और कंस्ट्रक्शन में तब से अब तक किसी ना किसी वजह से आपको डिले के फैक्टर्स भी देखने को मिले, कंस्ट्रक्शन में डिले भी आए, लेकिन आजकल के टाइम पीरियड की एक खुशाइन बात यह है कि सफारी होम्स को मुकम्मल तौर पे फास्ट ट्रैक के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसकी कंप्लीशन की तरफ इसे लेके जाया जा रहा है। आज के टाइम पीरियड में सफारी होम की मार्केट बेशक ऑलरेडी बायर होल्डर जो इस डील को होल्ड करता है वो कंस्ट्रक्शन के डिले होने की वजह से सम हाउ नाराज ज़रूर है, लेकिन फिर भी इस डील से मुकम्मल सेटिस्फाई है, 100% मुतमईन है, क्योंकि आज भी जो बायर यहाँ पे मौजूद है उसको यहाँ पे बाइंग का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो सेलर पार्टी डेफिनेटली अपने जो होम्स की डील है उसे अब के टाइम पीरियड में सेल आउट नहीं करना चाहते, और जो मजबूरन किसी ना किसी एमरजेंसी अर्जेंसी की वजह से सफारी होम को सेल आउट भी कर रहे हैं वो उसके ऊपर तब भी 15-15 से 20-20 लाख रुपये तक का ओन डिमांड करते हैं। सफारी होम्स जो तकरीबन 2.5-3 साल पहले उस वक्त की बहुत रीजनेबल प्राइस की डील थी, आज के टाइम पीरियड में अगर कोई बायर यहाँ पे मौजूद होता है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड में यही रेज करता है कि क्या सफारी होम्स की कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो डेफिनेटली क्या अप टू मार्क आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप खुद विटनेस कर सकते हैं मौके हुए लोकेशन पे, और दूसरी चीज़ के क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड हमेशा का सम हाउ किसी ना किसी रीज़न से डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी मटेरियल के ऊपर उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सारे फैक्टर्स देखते हुए जिसमें डिले का फैक्टर भी है, जिसमें आपको ओन प्राइसेस भी हैं, फिर भी यहाँ पे अगर आप करंट मार्केट देखें तो आपको बायर पार्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो सेलिंग पार्टी है वो डेफिनेटली आपको बहुत ही लिमिटेड मिलती है। सेलर पार्टी लिमिटेड होने का मकसद आप फिर समझ सकते हैं कि मुतमईन होना या फिर सेटिस्फाई होना इस डील से, क्योंकि इतनी इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर ना सिर्फ लाहौर बल्कि किसी कॉलोनी के अंदर भी नहीं, बल्कि ऑर्चर्ड के अंदर बात करें तो इसी फेज़ 4 के अंदर कम से कम प्लॉट आपको आजकल 60 लाख रुपए का मिलता है G1 ब्लॉक के अंदर, और ये तो मुकम्मल डील ही आपको 60 लाख रुपए विद कंस्ट्रक्शन करके दी जा रही है। इसमें अगर देखा जाए तो व्यूअर्स, आज के टाइम पीरियड में अगर आप इस डील को बाय करते हैं, सफारी होम्स को बाय करते हैं, तो ओन देने के बावजूद टैक्सेस और ट्रांसफ़र पे करने के बावजूद अगर इन फ्यूचर सफारी होम्स के जो डेवलपर्स हैं क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड आपको इसके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए तक का एस्केलेशन चार्जेस भी डाल देते हैं, तब भी ये डील आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर और मुकम्मल वैल्यू डील इसे उस वक्त भी हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 80 लाख से 90 लाख रुपए का भी आपको बहरिया ऑर्चर्ड या फिर इसके सराउंडिंग में किसी बेहतर मुनासिब सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सोसाइटी के अंदर इतने में 5 मरला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट हाउस नहीं देखने को मिलता।
इसमें कोई शुबा नहीं कि कोरोना फैक्टर और मुल्की हालात को देखते हुए डील में किसी हद तक डिले ज़रूर देखने को मिला। क्लाइंट इस चीज़ से नाराज़ भी हुए, लेकिन उनकी नाराज़गी सिर्फ इस हद तक है कि वो अपनी डील को आज भी अगर वो बेचने के लिए उनको एग्री किया जाए तो वो नहीं इस हवाले से होते, बल्कि उनका यही आंसर होता है कि अब तो इतनी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर हमें चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, तो अब इसे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसे डेफिनेटली पोजेशन लेने के बाद ही सेल आउट किया जाएगा। राइट नाउ सफारी होम्स बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी, वो भी आपकी अपनी पसंद की लोकेशन या चॉइसेस की नहीं होती, जिसमें आपको टैक्स भी बेयर करना पड़ता है, ट्रांसफ़र भी पे करना पड़ता है, आपको जो ऑलरेडी बायर है उसको प्राइस इंस्टॉलमेंट की है वो भी पे करनी पड़ती है, प्लस ओन प्राइसेस भी पे करनी पड़ती है, और इन फ्यूचर अगर आपको सफारी होम के ऊपर डेवलपर की तरफ से एस्केलेशन चार्जेस भी दिए जाते हैं, तब भी ये तमाम एक्सपेंसेस आपको बेयर करने के बावजूद सफारी होम इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे सस्ते घरों की सबसे वैल्यू डील हमें कंसीडर करनी चाहिए, जो आपको सुपर लग्जरी बहरिया ऑर्चर्ड जैसी एक अच्छी वेल नोन रिप्यूटेड सोसाइटी के अंदर आपको बना के दिए जा रहे हैं। सफारी होम्स की कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, अपना घर अपनी छत बनाएं और आज के टाइम पीरियड में सफारी होम के अंदर अपनी फैमिली को महफूज रखें। फर्दर सफारी होम्स या फिर किसी भी तरह की कोई यूनिट डिटेल क्वेश्चन क्वेरी ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए गिवन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं 0333115400। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।